नमस्कार दोस्तों। तो मेरा आज का विषय है कपिल ऋषि, ऋतु, पृथ्वी इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वेना करके एक राजा था, तो वो बहुत क्रूएल हो गया था। तब ऋषियों ने उसको मार गिराया, तब उसके हाथ से विदाउट एनी स्त्री ये पृथु पैदा हुआ। तो वो एक चक्रवर्ती था, एक राजा था, और बोलते हैं कि वो विष्णु अवतार भी है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं, लेकिन एक्चुअली विष्णु के कई अवतार हैं। तो उसको पृथु, पृथ्वी, पृथु, वैन्या, सन ऑफ वेना बोलते हैं। उसी के वजह से, इस पृथु राजा के वजह से ही पृथ्वी को उसका नाम मिला, पृथ्वी। तो वेना के बहुत अत्याचार के वजह से भूमाता गाय बन गई थी ऐसे और भाग रही थी। तब पृथु उनके पीछे गया, उनसे रिक्वेस्ट किया, पहले मारने का धमकी दिया, फिर बोला नहीं नहीं आप प्लीज वापस ठीक हो जाओ। तब पृथ्वी ने बोला कि नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मुझे आप मुझे मेरी रक्षा करेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेरी रक्षा करेंगे गार्डियन एंजल बन के। तो उनका जो वंश है वो ध्रुव का ही वंश है। सो वेना जो है वो मतलब बहुत अत्याचार कर रहा था, तो ऋषि ने उनको मारा। और उसके बाद बहुत बड़ा सूखा आया, उसके बाद जो मैंने बोला था ये हुआ। तो ये सब मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पहले जो एक अखंड धरती था वो धरती क्यों फटा और क्यों बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो उसके बारे में पता करने के लिए ये वीडियो बना रहे। तो जब वो राजा थे पृथु, तब देव, असुर, यक्ष, राक्षस, नागा सभी खुशी खुशी थे, और सतयुग भी एक बहुत ही हायर पोजीशन में पहुंच गया था। तो पृथु ने अपने पिताजी वेना को भी नरक, पू नाम के नरक से निकाला। दैट इज वाई उस दिन से, जब से वेना और बाकी लोग उस नरक से बाहर निकले, तब से जो भी बच्चा आता है जो ऐसे अच्छा काम करता है पृथु की तरह, उसको बोलते हैं पुत्रा। तो आप ऐसे ही बोलते हैं पुत्र, ये मेरा पुत्र है, ये उसका पौत्र है। ये पुत्र कहाँ से आया? ये पुत्र का असली स्टोरी यही है, क्योंकि पू नाम के नरक से पृथु ने अपने पिताजी को उस नरक से निकाला। तो इसलिए जो भी ये काम करता है, जो श्राद्ध करता है या पूजा करता है, उसको हम बोलते हैं पुत्रा। तो पृथु बहुत अच्छा राजा था, उसी की वजह से एग्रीकल्चर, फार्मिंग सब कुछ आया सोसाइटी में। ऋग्वेद में भी पृथु को ये भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब ये। और सेम चीज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी में भी है, जिसको हम बोलते हैं बूटीस। तो बूटीज कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र मंडल जो है वो काउ ड्राइवर है। सेम एक्चुअली बूटीज ही पृथु है, क्योंकि बूटीज की वजह से ही जो एक्चुअली वेस्टर्न लोग बूटीज बोलते हैं वही पृथु है।
It is said Bootes invented the plow to enable mankind to better till the ground. तो ये बूटीज नक्षत्र मंडल जो है वो कन्या से लेके पूरे तुला में है वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से, लेकिन इंडियन सिस्टम के हिसाब से पूरा कन्या और थोड़ा तुला में है। कन्या ही क्यों, एक्चुअली कन्या इसी की बेटी है, पृथु की ही बेटी है, और ये पृथु प्रिथा सेम है इन ए वे। सो कुंती का दूसरा नाम प्रिथा भी है क्योंकि वो पृथ्वी बेटी है, मतलब उसका और इस पर्टिकुलर पृथु राजा का संबंध नहीं है, वो सुरसेना की बेटी है और पांडु की पत्नी और पंच पांडव के माँ और कर्ण के भी माँ, उसको भी प्रिथा बोलते हैं। और प्रिथा से ही आपको आता है पार्थ, तो पार्थ पर्थ परसियस अर्जुन सब एक हैं, वही है पृथु पृथ्वी पृथ्वी की रक्षा करने वाला। और एक पृथु का और एक बहुत अच्छा बात ये था कि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता था। सो जब वो राजा थे सब लोग हेल्दी थे हैप्पी थे और उनको बिल्कुल भी वाइल्ड एनिमल्स का भय नहीं था। कुशाग्रास गोल्डन कलर में था और सारे फल फूल सब बहुत अच्छे थे और कोई भी भूखा नहीं था उस टाइम पे, इसलिए पृथु राजा जो है बहुत महान बोलते हैं, वही राजा है असली राजा पृथु। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो एक्चुअली रोहित जी ने मुझे भेजा था जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में दिया है वो यही है कि पहले अखंड भूमंडल था तो कपिल महाराज, फिर उसके बाद भागीरथ, उनके वजह से क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। सो एक्चुअली जो अमेरिका है वही कपिल अरण्य है, तो एक जमाने में सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, अखंड भूमंडल था। तो नारद पुराण में बताया गया कि कपिला जो है वो ब्रह्मा का भी इंकारनेशन है और विष्णु का भी अवतार है। सो सारे पुराणों में नारद पुराण स्कंद पुराण सब में रामायण में भी बताया गया है कि कपिल जी एक्चुअली विष्णु के अवतार हैं। सो मैं कपिल शर्मा या कपिल देव की बात नहीं कर रहा हूँ, कपिल देव वैसे इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर है और कपिल शर्मा शायद इंडिया का फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बना, तो कपिल ऑलवेज मीन्स फर्स्ट, ये याद रखिए, तो वो एक कोड है। तो कपिल बॉर्न टू कर्मदा एंड देवहूति वेंट ऑन टू टीच हिज पेरेंट्स, सो वो अपने खुद के पिताजी माताजी को भी उन्होंने संख्या फिलोसफी सिखाया। और ये जो धरती था वो अखंड भूमंडल था या जम्बू द्वीप था शायद, जो मैंने पहले भी बताया, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अखंड भूमंडल और जम्बू द्वीप एक ही है कि नहीं है, क्योंकि अखंड भूमंडल का मतलब ये है कि सब एक जगह है और जम्बू द्वीप जैसे मैंने बताया था कि जहाँ 2000 किलोमीटर के पर्वत हैं। तो इस कहानी के हिसाब से कपिल जब वेणा राजा था, वेणा ने मतलब दुनिया को मतलब तबाह करके रखा हुआ था, तब वो सारे ऋषियों को बोलता है कि वेणा को मारो और वहां से आपको उसके भुजा से पृथु पैदा हुआ। सो बेसिकली कपिल ऋषि के एडवाइस की वजह से ही पृथु का जन्म हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कपिल ऋषि का जो है वो बाकी मारीचि आत्री अंगिरस वशिष्ठ उनके साथ भी कनेक्शन था। और एक था पुलस्त्य ऋषि जो रावण का ग्रैंडफादर था, यानी दादा था, अब मुझे दादा था नाना था वो ठीक से पता नहीं लेकिन था, मतलब रिलेशन था, ठीक है। और ऋषि पुलस्त्य मीडियम हाइट के थे
उसके बाद ये भी बताया गया कि कपिल ऋषि जो है वो 24 घंटे में मेडिटेट करते थे, लेकिन तभी करते थे जब सूरज था। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो नॉर्थ पोल में थे, क्योंकि नॉर्थ पोल में जब देखो सूरज ही रहता है। तो ये ग्लोब अर्थ गलत मॉडल है, मैंने पहले भी बताया कि अर्थ फ्लैट है और सेंटर नॉर्थ पोल में। सो कपिल का डायरेक्ट नॉर्थ पोल का के साथ रिलेशनशिप है, और कपिल उस फॉरेस्ट में था। तो कुछ लोग आए थे इक्ष्वाकु, किंग सागर ऑफ इक्ष्वाकु, उनके पास 60,000 बच्चे थे, उन्होंने काफी डिस्टर्ब किया कपिल जी को, तो कपिल ऋषि ने उनको सबको मार दिया अपने थर्ड आई से। उसके बाद 2 जनरेशन के बाद भगीरथ आया था, और उनको पता चला कि ऐसे ग्रेट ग्रैंडफादर सब मर गए थे, तो उन्होंने आकाश गंगा को लाया ऊपर से। और ये आर्टिकल में साफ लिखा है कि ये पूरा अब जैसे कि माउंट शास्ता जो अमेरिका में है, वो एक्चुअली संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब है ब्यूटीफुल, फॉर्चुनेट, ऑस्पिशियस, मतलब सुंदर, बहुत सुंदर। और अमेरिकन शास्ता ट्राइब का नाम शंभो भी था, सो इट्स बेसिकली शिव, शिव के उपासक थे। सो बहुत सारे नाम वहां के जो भी हैं वो सब संस्कृत नाम है। सो उटा जो माउंटेन है अमेरिका में, वो भी उत्याकू करके आप बोल सकते हैं। ये भागीरथ के इसके वजह से आकाश गंगा आया। सो वो आई थिंक यूट्यूब में एक वीडियो है, मैं देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो। तो ऐसे ही आकाशगंगा आया था, तो ये सिम्पसन्स में भी दिखाया गया है। यानी जो इल्यूमिनाटी है, कंट्रोलर्स हैं, उन सबको पता है। ये देखिए के पाशा यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं के पाशा कपिल। सो बेसिकली कपिल ऋषि, ओके, के पाशा का मतलब कपिल ऋषि है। तो उन सबको भी पता है, अमेरिकन्स को भी पता है कि वो कहाँ से आए हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं कि कपिल ऋषि जो हैं वो स्लीपिंग विष्णु की तरह हैं, मतलब सोए हुए विष्णु की तरह, जो एक्चुअली इन सागरा के 60,000 उनको मार दिया, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और वो उन्होंने उसके उनके ऊपर गलत लांछन डाला था। कर्दम मुनि के बेटे भी बोलते हैं, कश्यप के बेटे भी बोलते हैं। तो आप ये कपिल ऋषि के बारे में पढ़ सकते हैं। देख रहा हूं और कुछ बताना है तो। और ये भी बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो 8 डिफरेंट डायरेक्शंस में सब, मतलब ये हो गया था धरती, तो 9th सेज या 9th ऋषि जो मिडिल अर्थ मध्याता बोलते हैं, वो कपिल ऋषि जी को दिया गया था। तो महाभारत में भी यही बताया गया कि कपिल कहाँ मेडिटेट कर रहे थे।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।